डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सिक्स बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, शेक थीटा और कोट थीटा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, देखो, फाइंड द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम गिवन फिगर। क्वेश्चन है अपना, फाइंड सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम गिवन फिगर। देखो, अपने को क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। एक की ये साइड है थ्री, ये है फोर और ये साइड है फाइव। ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। तो इस एंगल का अपने को सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करना है। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे हम, उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा और उसके बाद सेक थीटा एंड लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे कोट थीटा। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, अपने पास ट्रिक है, कल भी आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्लियर है? तो ये तो होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपरटेनस, ये होता है कोस थीटा बेस अपॉन हाइपरटेनस और ये होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखो, ये थीटा है तो सबसे पहले अपने को परपेंडिकुलर, बेस और हाइपरटेनस ही पता होने से तभी जाके हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो देखो, आपको बताया था कि जो थीटा होता है उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है फोर और इस परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री का एंगल होता है दैट इज बेस, तो ये बेस हो जाएगा और बाकी की बची हुई जो साइड है ये है हाइपरटेनस। तो ये सबसे बड़ी साइड होती है तीनों में से, हाइपरटेनस दिख भी रहा है, ये थ्री है, ये फोर, तो ये फाइव होगी। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं साइन थीटा। तो देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपरटेनस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर फोर, हाइपरटेनस है फाइव, जाएगा फोर अपॉन फाइव, क्लियर है? नेक्स्ट अपना कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बी अपॉन में एच। तो देखो, बेस है अपना थ्री, हाइपोटेनस है फाइव, तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन फाइव। नेक्स्ट टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अपॉन में बेस मीन्स 4 बाई थ्री। कोसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। जो साइन थीटा की वैल्यू उसको रेसि उल्टा कर दो, पलटी मार दो उसको, तो ये हो जाएगा 5 बाई फोर। सेक थीटा जो होता था ये कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस थीटा की वैल्यू ये है, इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 5 बाई थ्री। और कोट थीटा जो है ये टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 3 बाई फोर। तो इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल थीटा शो इन द यूनिट सर्कल इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर गिवन एज शोन। इधर देखो, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, ये अपना एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है अपना, ये ओरिजिन है। इस
यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, तो ये पॉइंट पी है, इसकी कोऑर्डिनेट है -1/2 एंड √3/2। इसका मतलब ये है अगर इसको ओरिजिन से हम ज्वाइन करें ये जो डिस्टेंस है एक्स में ये वाली, ये तो अपने को गिवन है 1/2, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड में इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाया गया है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ये गिवन है अपने को √3/2। तो आपसे ये एंगल पूछा गया है थीटा कितना होगा, इसके बारे में अपने को कैलकुलेशन करनी है थीटा कितना होगा, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले अपने को ये वाली जो साइड है ये कैलकुलेट करनी होगी, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली ये वाली साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये साइड पता है ये पता है, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेनस जो होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका होल अंडर रूट। तो देखो ये साइड इसका नाम देते हैं हम, ये ओ है, इसको ए दे दो, तो ये जो साइड है ओ पी ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ओ पी कॉस्ट हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ओ ए की वैल्यू है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस ए पी है √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4 और इसका अंडर रूट। तो 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 4 4, तो ये आ जाता है अपना 1। तो ये जो साइड है अपनी ये आ जाएगी 1, क्लियर है। तो सबसे पहले अपने को निकालना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे एंगल थीटा की। देखो साइन थीटा क्या होता है, तो एक चीज और ध्यान रखना, ये अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी अभी देख लो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ये वाला, ये फर्स्ट है ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये सेकंड जो है इसमें साइन थीटा तो पॉजिटिव होता है, साइन थीटा तो इसमें पॉजिटिव होगा और जो कोस थीटा होगा वो इसमें नेगेटिव होगा। तो देखो इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो थीटा के सामने ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा अपना बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा होता है अपना, इसमें साइन थीटा और कोस थीटा ये अपने को कैलकुलेट करने हैं। तो साइन थीटा होता है देखो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है √3/2 अपॉन में हाइपोटेनस 1, तो ये हो जाएगा √3/2। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पर जो साइन थीटा होगा ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर हम पॉजिटिव यूज करेंगे। कोस थीटा होता था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस है 1/2 अपॉन में हाइपोटेनस 1 है तो ये हो जाएगा 1/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, क्लियर है। तो ये है साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करना सीखेंगे अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसको पॉजिटिव लेना है, कौन से को नेगेटिव लेना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।